उज्जैन में रविवार को अचानक तेज आंधी तूफान से महाकालेश्वर मंदिर के श्री महाकाल लोक में काफी नुकसान हो गया। श्री महाकाल लोक गलियारे में सप्तऋषियों की 6 मूर्तियां गिर गईं और 3 मूर्तियां गिरकर टूट गईं, जिसके बाद इस मुद्दे पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस पूरे प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक के बाद एक कई ट्वीट करके राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए पीएमओ द्वारा सीएम शिवराज से स्पष्टीकरण लिए जाने की भी मांग की है। उन्होंने सरकार पर महाकाल लोक में घटिया स्तर का निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 750 करोड़ से बना महाकाल लोक कॉरिडोर की मूर्तियां तेज हवा से उड़ गईं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें भाजपा ने भ्रष्टाचार न किया हो। उज्जैन के महाकुंभ में घटिया निर्माण किया और अब 750 करोड़ से बना महाकाल लोक कॉरिडोर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया उसकी मूर्तियां तेज हवा में ही गिर गईं। गृह मंत्री नरेंद्र मिश्रा ने कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को इस तरह की आपदाओं में भी राजनीति करनी आती है। कभी आपने देखा है कि कांग्रेस के लोग आपदा के समय जमीन पर दिखे हो? कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है, पेपर तक रह गई है, आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग। कमलनाथ जी सीएम थे लेकिन मंदसौर में बाढ़ के समय गए, वह यही वल्लभ भवन में बैठे थे जब तालाब में विसर्जन करने गए कितने लड़के डूब गए थे। मदद कभी नहीं करते, पूरे कोरोना काल में आपने कभी देखा था क्या कि कमलनाथ जी किसी जगह पर गए? एक जगह नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कोरोना काल के अंदर के किसी अस्पताल में, किसी राहत शिविर में किसी को अनाज बांटते हुए, दवाई देते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी देखे हो? दिखे ही नहीं होंगे आपको। बाढ़ आई थी मंदसौर की तरफ, गए ही नहीं, और तो और ऊपर वल्लभ भवन में बैठे रहे, नीचे तालाब में हमारे नौजवान चले गए थे हमारे बीच से नाव पलटने पर, जो मूर्ति विसर्जन की घटना थी। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे नवभारत टुडे के साथ। नमस्कार।